हेलो दोस्तों, टॉप एंड्रॉइड गेम की सीरीज में आप सभी लोगों का प्रो गेमर एक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ में रिलीज हुए कुछ ऐसे नए एंड्रॉइड गेम्स के बारे में, जिनके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज के गेम्स देखने को मिलेंगे। साथ ही इन सारे एंड्रॉइड गेम्स को आप अपने स्मार्टफोन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खेल भी सकोगे। तो गाइस, इन सारे गेम्स के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप आगे भी एंड्रॉइड गेम से रिलेटेड किसी भी अपडेट को मिस नहीं कर सकोगे। तो गाइस, बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे मॉडर्न असॉल्ट टैंक्स गेम से। दोस्तों, ये एक 3D ऑनलाइन टैंक बैटल गेम है, जिसके अंदर आपको एक ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर अपने अपोनेंट टीम के साथ फाइट करनी पड़ती है, और बैटल करने के लिए इस गेम के अंदर आपको अलग अलग तरह के टैंकों के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप अपने लेवल के हिसाब से सेलेक्ट करके आसानी से अपने अपोनेंट टीम को डिफीट कर सकोगे। इसके अलावा मल्टीप्लेयर गेम होने की वजह से इस गेम को आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी एक टीम बनाकर खेल सकते हो, और पावरफुल टैंकों को यूज करने के लिए सिंपली आपको इस गेम के अंदर अपने लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे आप और भी पावरफुल टैंकों को अनलॉक करके इस गेम के अंदर उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में एक ऑनलाइन टैंक बैटल गेम खेलना चाहते हो तो जरूर से आपको इस गेम को अपने स्मार्टफोन में ट्राई करना चाहिए, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर पाओगे। गाइस, बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ, और अगला गेम है मोटो एंडूरो। दोस्तों, ये एक 3D मोटरसाइकिल सिमुलेटर गेम है, जिसका साइज 150 MB तक है, और इस गेम के अंदर आपको अलग अलग तरह की मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल करके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है, और जितने कम समय में आप एंड पॉइंट तक पहुंचते हो, आप उतने ही ज्यादा पॉइंट्स को इस गेम के अंदर अचीव करके अलग अलग तरह की मोटरसाइकिल बाइक कर पाओगे। इसके अलावा मोटरसाइकिल चलाते वक्त रास्ते में आने वाले अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स को आपको इस गेम के अंदर अवॉइड करना पड़ता है, और अवॉइड करके ही आप इस गेम के लेवल को आसानी से कंप्लीट भी कर पाते हो। तो गाइज, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में एक मोटरसाइकिल सिमुलेटर गेम खेलना चाहते हो जिसका साइज कम हो, तो जरूर से आपको इस गेम को अपने स्मार्टफोन में ट्राई करना चाहिए, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकोगे। गाइज, अगला गेम है द लॉस्ट मिस्टेकन। दोस्तों, ये एक 3D एक्शन पैक RPG गेम है, जिसके अंदर आपको हैक एंड स्लैश का जैसा फाइटिंग गेम प्ले देखने को मिल जाता है, और बात करें इस गेम के साइज की तो इस गेम का साइज 700 MB तक है, जिसके अंदर आपको एक ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी, और हैक एंड स्लैश गेम होने की वजह से इस गेम के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के वेपनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से अलग अलग तरह के मॉन्स्टर से लेकर क्रिएचर्स को डिफीट करके इस गेम की स्टोरी लाइन को कंप्लीट कर सकोगे। साथ ही बात करें इस गेम के ग्राफिक्स ही, तो इस गेम के अंदर आपको नॉर्मल 3D ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, जिसे आप टैप टैप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगला गेम है क्रैश बैंडिकूट। दोस्तों, क्रैश बैंडिकूट प्लेस्टेशन का ही मोबाइल वर्जन गेम है, जिसके अंदर आपको एक एंडलेस रनिंग गेम प्ले खेलने को मिल जाता है, और रनिंग करने के लिए इस गेम के अंदर अलग अलग तरह के प्लेबल कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, और जितने ज्यादा पॉइंट्स को कलेक्ट करते हो उतने ही फास्ट तरीके से आप अपने बेस को भी बिल्ड कर सकोगे। इसके अलावा रनिंग करते वक्त रास्ते में आने वाले अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स को आपको अवॉइड करना पड़ता है, जिससे आप आसानी से इस गेम के लेवल को कंप्लीट भी कर पाते हो। तो गाइज, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में एक बिल्कुल ही नए तरह का एंडलेस रनिंग गेम खेलना चाहते हो तो जरूर से आपको इस गेम को अपने स्मार्टफोन में ट्राई करना चाहिए, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर पाओगे। गाइस, बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ, और अगला गेम है रेसिंग मास्टर। दोस्तों, ये एक 3D ऑनलाइन रेसिंग गेम है, जिसके अंदर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, और ऑनलाइन गेम होने की वजह से आप इस गेम के अंदर रियल टाइम में रियल प्लेयर के साथ रेस भी कर सकते हो, और रेस करने के लिए इस गेम के अंदर आपको रियलिस्टिक ट्रैक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स कार से लेकर लग्जरियस कार का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की रेसों को भी विन कर सकते हो। साथ ही बहुत सारी यूनिक तरह की कार्स को अनलॉक करने के लिए सिंपली आपको अपने लेवल को
अपग्रेड करके बहुत सारे कॉइन्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से लग्जरियस कार को भी इस गेम के अंदर अनलॉक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में एक बिल्कुल ही नए तरह की रेसिंग कार गेम खेलना चाहते हो तो इस गेम को आप प्ले स्टोर पर जाकर प्री रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि ये गेम अभी अर्ली एक्सेस पे है और इस गेम का साइज 3GB तक है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला गेम है मॉडर्न वॉर गेम। दोस्तों, ये एक 3D ऑनलाइन मल्टीप्लेयर थर्ड पर्सन शूटर बैटल रॉयल गेम है, जिसके अंदर आपको बाकी सारे बैटल रॉयल गेम्स की तरह ही एक आइलैंड के ऊपर लैंड करना पड़ता है, और आइलैंड के ऊपर लैंड करने के बाद आपको सिंपली अलग अलग तरह के वेपन्स को ढूंढ कर एनिमीज को डिफीट करना पड़ेगा, और लास्ट तक सर्वाइव करके ही आप बाकी सारे बैटल रॉयल गेम्स की तरह ही इस गेम के अंदर भी सर्वाइव कर पाओगे। साथ ही एनिमीज को डिफीट करने के लिए इस गेम के अंदर आपको स्नाइपर राइफल से लेकर पिस्टल, शॉटगन, असॉल्ट राइफल जैसे बहुत सारे गनों के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपनी चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करके आसानी से इन गन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में बिल्कुल ही नए तरह का बैटल रॉयल गेम खेलना चाहते हो तो जरूर से आपको इस गेम को अपने स्मार्टफोन में ट्राई करना चाहिए, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर प्री रजिस्टर कर सकते हो। गाइस, बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ और अगला गेम है रॉकेट लीग साइड स्वाइप। दोस्तों, रॉकेट लीग साइड स्वाइप पीसी वर्जन रॉकेट लीग का ही मोबाइल वर्जन गेम है, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह की कारों का इस्तेमाल करके गोल पोस्ट के अंदर गोल करना पड़ता है, और गोल करने के लिए सिंपली आपको इस गेम के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की कारों के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने अपोनेंट को डिफीट कर सकोगे। साथ ही ऑनलाइन गेम होने की वजह से इस गेम को आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी खेल सकते हो। तो गाइज, अगर आप भी रॉकेट लीग गेम के बहुत ही बड़े फैन हो और आप अपने स्मार्टफोन में इस गेम को ट्राई करना चाहते हो तो रॉकेट लीग की वेबसाइट पर जाकर आपको सिंपली इस गेम को प्री रजिस्टर करना पड़ेगा, जिससे ये गेम जब भी रिलीज होता है तो आप सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में इस गेम को खेल सकोगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला गेम है फ्लैश पार्टी। दोस्तों, फ्लैश पार्टी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड फाइटिंग गेम है, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के छोटे करेक्टरों का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट से फाइट करनी पड़ती है, और ऑनलाइन गेम होने की वजह से इस गेम के अंदर आपको अपोनेंट के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी आप इस गेम को आसानी से खेल पाते हो। इसके अलावा 6 अलग अलग तरह के प्लेबल करेक्टर होने की वजह से इस गेम के अंदर आप अपने फेवरेट हीरो को सेलेक्ट करके उसकी एबिलिटी और पावर का इस्तेमाल अपने अपोनेंट को डिफीट करने के लिए कर पाओगे। तो गाइज, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में एक प्लेटफॉर्म बेस्ड फाइटिंग गेम खेलना चाहते हो तो जरूर से आपको इस गेम को अपने स्मार्टफोन में ट्राई करना चाहिए, जिसे आप टैप टैप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला गेम है प्रोजेक्ट ऑफ रोड 20। दोस्तों, ये एक 3D रियलिस्टिक ऑफ रोड सिमुलेटर गेम है, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह की व्हीकल्स का इस्तेमाल करके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है, और रास्ते में आने वाली अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज को पार करके ही आप इस गेम के लेवल को कम्प्लीट कर पाते हो, और लेवल को कम्प्लीट करने के साथ साथ इस गेम के अंदर आपको रियलिस्टिक फिजिक्स भी देखने को मिल जाएगी, जो इस गेम को और भी ज्यादा मजेदार और रियलिस्टिक बना है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में एक ऑफ रोड सिमुलेटर गेम खेलना चाहते हो तो जरूर से आपको इस गेम को अपने स्मार्टफोन में ट्राई करना चाहिए, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आखिरी गेम है बस टू पावर। दोस्तों, ये एक 3D एनिमी स्टाइल फाइटिंग गेम है, जिसके अंदर आपको जैपनीज एनिमीज के अलग अलग तरह के करेक्टरों के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर नारुतो से लेकर ड्रैगन बॉल जी, वन पीस के अलग अलग तरह के फेमस करेक्टर्स देखने को मिलेंगे, और इन करेक्टरों का इस्तेमाल करके ही आप इस गेम के अंदर अपने अपोनेंट से फाइट कर सकते हो। साथ ही हर करेक्टर के अंदर अपनी यूनिक स्किल्स और पावर होने की वजह से आप अपने अपोनेंट को और भी इजीली डिफीट कर सकोगे। तो गाइज, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में एक 3D फाइटिंग गेम खेलना चाहते हो जिसके अंदर आपको बहुत ही फेमस एनिमीज कैरेक्टर्स देखने को मिले तो जरूर से आपको इस गेम को अपने स्मार्टफोन में ट्राई करना चाहिए, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइज, ये थे अप्रैल मंथ में रिलीज हुए कुछ ऐसे मजेदार एंड्रॉइड गेम्स, जिनके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज के गेम्स देखने को मिले होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे चैनल से रिलेटेड आप किसी भी अपडेट को मिस नहीं कर पाओगे, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा गेम पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।